सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिजावल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मिलिट्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बोथ आर्मी एंड नेवी और रेंजर्स, वो सब साथ मिलकर, और उनके साथ हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। सेक्शन 144 लगा दिया है वहाँ पूरे साहिल पे, 6 प्राइमरी रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए इन 3 तालुकों में। समुद्री तूफान बाइपर जॉय का खतरा, साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज, मुश्तरका हिकमत अमली बना ली, आर्मी नेवी रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदों की टीमें तश्कील दे दी हैं। तूफान की वजह से कराची में 60 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। तूफान के हवाले से आइंदा 2 से 3 दिन अहम। फिलवक्त समुद्री तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। जानी नुकसान से बचाने के लिए लोगों का इनखला जरूरी है। बिल बोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत दे दी। अल्लाह से दुआ है इस मुश्किल में हमारी मदद करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। समंदरी तूफान बाइपर जॉय की रफ्तार मजीद तेज, गुज़श्ता 12 घंटे से साइक्लोन शिमाल की जानिब बढ़ रहा है। साइक्लोन बाइपर जॉय 160 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाली बहरीन में मौजूद है। उमाड़ा बलोचिस्तान से समंदरी तूफान 710 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक की सम्त पर है। सिस्टम के गिर 35 से 40 फुट बुलंद लहरें उठ रही हैं। मुमकिन तौर पर साहली इलाके तेज आंधी और सैलाब की जद में आ सकते हैं। महकमा मौसमियात। साइक्लोन बाइपर जॉय मुमकिन तौर पर 14 जून को सिंध के जनूब मशरक में कैठी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा सजावल बदीन थरपारकर उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। 13, 14 और 16 जून के दौरान कराची हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान टंडो अलायार मीरपुर खास के इजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं मुतवक्के। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत कर दी। समंदरी तूफान बाइपर जॉय डीजीपी डीएमए काथुरबद गवादर का दौरा, आगाज से ही समंदरी तूफान बाइपर जॉय को मॉनिटर कर रहे हैं। हंगामी हालात से निपटने के लिए तमाम जरूरी सामान मौजूद है। डीजीपी डीएमए की सरबराही में समंदरी तूफान बाइपर जॉय से मुतालिक गवादर में हंगामे इजलास। डीजीपी डीएमए का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बाइपर जॉय साइक्लोन भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात में सौराष्ट्र और केश के साहिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। जामनगर मोरबी गुरसुमनाथ पोरबंदर और देवभूमि द्वारका इजलाम में 13 से 15 जून को शदीद बारिशों का इम्कान। तूफान से हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक शिद्दत इख्तियार कर सकती है। हुकाम ने नशेबी इलाकों से लोगों को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कयानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। आन चौधरी पार्टी के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जमान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पार्टी की मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। पीटीआई ने बेरहमी से मईशत तबाह की। मईशत इस कदर गिर चुकी कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। बुनियादी शराय सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। शराय सूद 21% बरकरार रहेगी। मरकजी बैंक का ऐलामिया।
वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस का मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता भंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इनसे ये है, कम से कम आप 9th रिव्यू तो कंप्लीट करें बिफोर द एंड ऑफ द पैसेज एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स गो। लेकिन 9th रिव्यू कंप्लीट करने के लिए हमारा इसरार भी है। एमडी से जो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी उसमें ये बात एक्सरसाइज भी की गई थी। एमडी ने अपने तौर पर अग्री भी किया था और कमिटमेंट दिया था कि आप बजट की फिगर शेयर करें हमसे और आप हमसे जो प्रायर एक्शन जो रह गए हैं उस पर बात करें। IMF को कहा है वो जल्द नवे जायजे को मुकम्मल करे। IMF ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि नवा रिव्यू जल्द मुकम्मल करेंगे। हमारे तमाम दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी। बजट में जितनी भी टैक्स छूट दी है IMF को इस पर एतराज़ नहीं। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर मुमलिकत ब्राय खजाना आयशा गौस पाशा। पंजाब के बजट का मामला, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास, सेक्रेटरी खजाना की बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की निगरान पंजाब हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में निगरान वजीर आला चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। इसको एक पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, कहीं हुई भी, जिसकी वजह से आप देखें कि इसका जो बुनियादी जो फोकस था अपने हदाफ से हट के किसी और जानब शिफ्ट हो गया था। लेकिन आम तासुर यही है कि करप्शन बढ़ती जा रही थी और बढ़ रही है। कौमी सतह पे जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स रेटिंग है उसके अंदर भी हम तनजली का शिकार थे। हमारा मकसद है जुर्म की सरकोबी, जुराइम का खात्मा, वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन का सदबा। इसके लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब को मुकम्मल गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। हम पहले अपनी इस्लाहा करेंगे। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए खामोशी से काम कर रहे हैं। असल मकसद करप्शन और वाइट कॉलर जराइम का खात्मा है। चेयरमैन नैब का लाहौर में तकरीब से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही ज़ारा इलाही समेत 3 मुलजमान की जमानत 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज 16 जून तक मंजूर। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज मोहम्मद असलम गोंदल ने उबूरी जमानत पर समाअत की। ये मुल्क चला रहे हैं या आदत मर्दी? वजीर आजम कहते हैं IMF से मुआहदा इस महीने में हो जाएगा। वजीर खजाना कहते हैं IMF सियासत कर रहा है, इसकी परवाह नहीं। बजट के अदादो शुमार हकाई के बरक्स हैं। अवाम को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये 9 मई के वाके को बयानियां बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बरयानी वाली जलसियां बेनतीजा साबित होंगी। शेख रशीद। डॉक्टर आफिया बहुत बुरे हाल में है। हुकूमत चाहे तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। वजीर आजम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बहुत मदद की। आइंदा मुलाकात जुलाई के वस्त में होने की उम्मीद है। फौजिया सदीकी की अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। वीडियो लीक केस, FIA ने टिकटॉकर संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने दलाइल सुनने के बाद मुलजमा संदल खटक की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। संदल खटक ने भी दौरान समाअत हरीम शाह पर तंग करने का इल्जाम आयद किया।